आई वांट टू से समथिंग, घर चलाने के लिए सिर्फ कूलर और सेक्सिस्ट होना इम्पोर्टेंट नहीं है, घर चलाने के लिए किचन का काम और सब आना चाहिए। राहुल सर्वेंट्स है ना घर पे? चिंपी माय डियर, किसी भी मर्द का दिल जीतने के लिए उसके पेट से रास्ता जाता है, सर्वेंट से रास्ता नहीं जाता है। बॉम्बे में टेक अवेज बहुत सारे, वो घर नहीं होगा वो मकान होगा। हाँ तो ठीक है ना, हम मकान सीख लेंगे, इंसान नहीं रहते हैं, गेस्ट रहते हैं, घर में इंसान रहते हैं, परिवार रहता है। मकान घर नहीं बनता, आई थिंक प्यार से भी बनता, खाने से नहीं बनता। मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में डिम्पी अपने पति के लिए एक डिश भी बना सकती है। अगर कभी जिंदगी में उसने ये क्या कर दिया और मुझे पता लग गया तो मैं अपना नाम प्रियदर्शनी सिंह से बदलवा के गधा सिंह रख लूंगी। आज जब घर की खाना बनाने की बात हुई तो कहने की प्रियदर्शनी और डिम्पी में थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था, तब डिम्पी ने बहुत अच्छी बात कही कि मुझे आता नहीं है और मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं कहता हूँ सीखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हर व्यक्ति पैदा होकर सब कुछ सीखा होता नहीं आता, इसी दुनिया में सीखना पड़ता है। अब हम कुछ सीरियस खेलेंगे। इस गेम में मैं हमारी दुल्हनों को घर के जो छोटे छोटे नुस्खे होते हैं उनके बारे में पूछूंगी। ये देखना चाहूंगी कि कौन सी दुल्हन घर के नुस्खों के बारे में कितना जानती है। इस गेम का नाम है स्पिन द बेलन। मैं ये करूंगी, इस बेलन को सेंटर में रख के ऐसे घुमाऊंगी, जिस तरफ ये रोली रुकेगी मैं उसे सवाल पूछूंगी। चलिए उस तरफ। सोनिया, शादी के बाद आप खाना पका रही हो, आपको पता चले कि जो दाल आपने पकाई है उसमें नमक बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप क्या करेंगी? मैं उसमें आटे को जो एक मतलब कि छोटा सा वो पेड़ा सा बना लूंगी, उस पेड़े को उस दाल के बीच में डाल दूंगी, क्योंकि जो अगर नमक ज्यादा भी हो जाएगा ना तो वो अपनी तरफ खींच लेगा। परफेक्ट, गुड आंसर। आप किचन में खाना पका रही है और आपकी उंगली छुरी से कट जाए और खून बिल्कुल नहीं रुक रहा, तो आप क्या करोगे? हल्दी जो होती है उसको लगा लेंगे, थोड़ा सा उसको पीस के, उसको गीला करके भी लगाया जा सकता है, और उसके बाद उसको आप जो भी आपके पास पट्टी है, कुछ भी, अगर नॉर्मल रुमाल भी है उससे आप उसको कवर कर लीजिए, थोड़ी देर रख लीजिए, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। यार एक काम करते, ये आपके आपके मायके वाले जो है ना उनसे कहते इसको एक शो दे दे, इसको एक अपना शो दे दे, आइए हर चीज तो बाबा रामदेव के बाद अब बाबा तन्नू बोलेंगे। निकुंज, ओके क्वेश्चन लंबू, आपके घर में बहुत सारे राहुल के खास मेहमान आने वाले हैं और आपने अपना बहुत ही एक्सपेंसिव क्रॉकरी सेट निकाला और देखा अचानक कि एक जो प्लेट है उस पर दाग है, उस दाग को आप कैसे निकालोगे? धोगे? नहीं, अगर वो दाग जम गया हो। बोरिक एसिड से निकलता है शायद, आई एम नॉट श्योर, और या फिर लेमन जूस यूज करके। यू आर क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। एसिटिक एसिड? नो, विनेगर, करेक्ट। या इफ यू यूज इट देन वो दाग तुरंत निकल जाएगा। सो आई थिंक यार मैं सच्ची में कुछ नहीं जानता हूँ यार, सीरियसली, ऑल ऑफ यू नो टू मच। मान लीजिए राहुल ने आपको एक बहुत प्यारा सा बांधनी दुपट्टा गिफ्ट किया हो और आपने जैसे ही उसे पानी में भिगोया उसका कलर छूटने लगा, तो आप क्या करोगे? नमक के पानी में उसको धोएंगे। तो उससे क्या होगा? उससे कलर नहीं निकलेगा। करेक्ट, ये मुझे भी पता था। यस, मुझे कुछ भी नहीं पता है यार। ये भी सवाल मतलब बहुत आसान है, आपकी जो एक्सपेंसिव साड़ीज हैं उसकी देखभाल आप कैसे करेगी? घर का नुस्खा, नीम के पत्ते होते हैं,
नीम के पत्तों को अगर जिसको कहते हैं अगर साड़ियों में या किसी भी कपड़ों में डाल दिया जाए तो उसमें कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। तो मुझे और अगर आपकी साड़ी में जरी हो या जरदोजी वर्क हो उस जरी को शाइनिंग रखने के लिए उसका जो ग्लो है उसको बरकरार रखने के लिए क्या करोगे आप? बहुत आसान है प्रियादर्शनी, अगर शेरो शायरी से ध्यान हटाकर और निकुंज से ध्यान हटाकर जिंदगी के और अहम चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगी तो राहुल की तो नहीं लेकिन शायद किसी की अच्छी बीवी वो बन पाएंगी। एक मिनट, मैं सोचता हूँ इनको पता नहीं तो शायद हम इनमें से किसी और लड़की आप किसको चाहते हैं कि कोई आंसर करे इस सवाल का? कि सवाल का जवाब डिम्पी दे। कम ऑन डिम्पी, पूरा दुश्मनी इधर उतारी की। वो मुझे और हरप्रीत को हमेशा अटैक करती रहती है जहाँ पे वो उसको अपना कमी दिखाई देती है। शी वॉन्ट्स टू शो समबडी एल्स नीचा ताकि यू नो शी फील्स गुड अबाउट इट। इट जस्ट कम्स फ्रॉम द इनसिक्योरिटी दैट शी हैज इनसाइड हर। पेपर रख देंगे, पेपर रख देंगे फोल्ड्स में और ऊपर मतलब प्लास्टिक में डाल के रखेंगे। प्लास्टिक में डालेंगे। टिम्पी वगैरह जो सब थी वो वैसे भी डम्ब हैं, उन्हें कुछ नहीं पता घर का, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि डिस्को में पार्टीज कैसी होती हैं, ये सब कैसे होता है। आई डोंट थिंक सो उन्हें घर की रेमेडीज पता है। इनको देने दीजिए। नहीं, इनको नहीं, फिर मजा नहीं। मसलिन क्लॉथ में बांधेंगे और उसमें नैप्थलीन बॉल्स डालेंगे। नैप्थलीन बॉल्स मत यूज करना क्योंकि उससे ना सिल्क का कलर छूट जाएगा। सिर्फ मलमल में उसे लपेट के, साड़ी को लपेट के मलमल में प्रिजर्व करना। ओके, ठीक है। छोटे छोटे इलाज जो हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, क्या ये लड़कियों को उनकी परख है, उनकी जान है क्या?